जीटी वर्सेस डीसी मुकाबले के अंदर लास्ट ओवर काफी ज्यादा एक्साइटेड भरा रहा। क्या हुआ इस ओवर के अंदर यही जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कोई अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस ओवर को फेंकने के लिए आए ईशांत शर्मा दिल्ली की तरफ से और ऑन स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। जब यहां पे ईशांत शर्मा ने पहली गेंद फेंकी तो हार्दिक पांड्या ने स्ट्रोक लगाया और उस पर दो रन मिल गए। उसके बाद यहां पे दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने यहां पे एक रन लिया और तेवटिया स्ट्राइक पर आ गए। तेवटिया ने गेंद को यहां पे खेलना चाहा तीसरी को, लेकिन वो सही से यहां पे पिक नहीं कर पाए, जिसकी बदौलत ये गेंद है वो डॉट निकल गई। उसके बाद यहाँ पे चौथी गेंद पे तेवटिया ने फिर से एक बड़े स्ट्रोक के लिए ट्राई करा, लेकिन गेंद हवा के अंदर ऊपर झूझती रही और उसके कारण वो कैच आउट हो गए। उसके बाद आए राशिद खान और राशिद खान ने यहाँ पे जो पहली ही गेंद है उस पर दो रन ले लिए, जिसकी बदौलत लास्ट गेंद के ऊपर चाहिए थे सात रन। यानी कि इस गेंद के ऊपर या तो छक्का लगाकर ड्रा करवा दिया जाए या फिर हार जाए जीटी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राशिद खान ने शॉट जरूर खेलना चाहा, लेकिन उसके ऊपर बाउंड्री नहीं मिली, मात्र एक रन मिला और इस प्रकार से यहाँ पे जीटी इस मुकाबले को हार गया। दोस्तों जीटी की इस हार के बारे में आपकी क्या राय है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर